Assalam o viewers, this is Humayun JAVED. Aaj main aapse Salaam State Home Builders ke panel se mukhatib hoon. Aaj ki jo meri video hai, uska topic hai ek chota sa comparative analysis between two bedroom apartments which are in Bahria Town, Karachi and in the city. Agar aap just for an example, I'll take Gulshan and Gulistan Johar. Usme jo flats hain ya apartments hain jo available hain, unme kya facilities hoti hain aur unme kya problems face aati hain? And relatively Bahria Town mein jo aapke flats hain do bedroom ke, unki kya benefits hain aur unki kya dushwariyan aati hain? So let's take Gulshan and Gulistan Johar first. If you go for a two bedroom apartment, वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट और पानी का एक इशू आता है. गुलसान जगह में तो पानी का काफ़ी इशू है, जिसमें आप टैंकर से पानी देते हैं, खारा पानी देने आप इंस्टॉल योर ओवर टैंक इन योर अपार्टमेंट. फिर आपकी जो सारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह होती है वो सब ओपन होती है, जिसमें आपके फ़ोन के वायर्स आ जाते हैं, आपके टेलीविजन केबल के वायर्स आ जाते हैं. आए दिन कोई ना कोई वहाँ से गुजरता है और उसको तोड़ देता है, या कोई दरख्त काट के चला जाता है, उस पर गिर जाता है और आपकी लाइट चली जाती है, या आपका केबल चला जाता है, या आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है. यहाँ पे देखें, इंसान जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ जाती हैं कि वो सुबह ऑफिस जाएं या दिन में रुक के इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करें. हाँ, ये ज़रूर है कि इट्स इन द सेंटर ऑफ द सिटी, वहाँ से सारे स्कूल्स करीब हैं, ऑफिस करीब हैं, यू कैन रीच शहर फैसल विद इन 15 मिनट्स. बट देन अगेन, इफ़ आई टेक राशिद नाज रोड और यूनिवर्सिटी रोड और अस्करी के सामने का जो डालमिया का एरिया, वहाँ जितने बॉटल नेक्स होते हैं ट्रैफिक के, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर एनीवन. लाइट का काफ़ी इशू होता है, लोगों के घर में जनरेटर चलते हैं, देन यू गेट डिस्टर्ब बाय नॉइज़, आपके बच्चों की नींदें ख़राब होती हैं रात को, और दिन दहाड़े कभी कहीं पे फायरिंग हो गई, कभी कहीं पे फायरिंग हो गई, न्यूमरस इशूज़ आते हैं. बहरिया टाउन कराची में जो दो बेड के अपार्टमेंट्स हैं, इट्स कम्प्लीट क्वालिटी ऑफ लाइफ. यहाँ पर आप हाईवे से सीधा आ जाते हैं, कोई ट्रैफिक जैम्स नहीं होते. You can reach Surab Road within 35 minutes and Mali Link, जो सुपर हाईवे का रोड है, उसमें you can reach within 20 to 25 minutes and you can hit Shara Fasal within 35 minutes. No electricity breakdowns over here. अगर होता भी है तो there is power backup provided by generators, जो कि 5 से 7 मिनट में ऑन हो जाता है. Electrical wiring सारी concealed है, underground है. इसी तरह की telephone services हैं, intercom है, unparalleled security है. हर अपार्टमेंट में रिसेप्शन है, उसमें 2 रिसेप्शनिस्ट होते हैं, आपका हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, और सबसे बड़ी बात, मीठा पानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. और सिक्योरिटी इतनी है कि आपकी सारी फैमिली का डाटा ले लिया जाता है, एंड नोबडी एल्स इज अलाउड विदाउट योर परमिशन टू विजिट योर अपार्टमेंट. द रिसेप्शनिस्ट विल कॉल यू, कन्फर्म, एंड देन विल अलाउ योर गेस्ट टू कम. आपकी गाड़ी पर स्टिकर होता है, योर कार कैन एंटर इन टू बैरियर डाउन आफ्टर 11 इन द नाइट. इसके अलावा जिन गाड़ियों में स्टिकर्स नहीं है उनको अलाउ नहीं किया जाता, उनका सिक्योरिटी चेक होता है. इसी तरह आपके अपार्टमेंट का जो कंपाउंड है उसमें आपका डेडिकेटेड पार्क है, बच्चों का प्ले एरिया है, प्लेंटी ऑफ पार्किंग फॉर द रेजिडेंट्स टू पार्क देयर कार्स. हर टावर में 4 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं और 1 कार्गो लिफ्ट है. सो यू हैव एवरीथिंग राइट गोइंग ऑन फॉर यू. You have fresh, clean air to breathe, and you have good schools for your children to go, you have good parks for your children to go, you have good place to eat out. So, aap further isko explore karne ke liye khud visit kijiye. Meri guidance ki zarurat ho to contact me anytime, 0300 937 9555. Thank you.